ये साहब की नौकरानी छोटे कपड़ों में, ये वीडियो कॉल पर किससे बात कर रही है? लगता है साहब को बताना पड़ेगा। सर मुझे आपसे कुछ जरूरी बातें करनी है। हाँ बताओ। साहब वो प्रीत है ना अपने काम वाली। प्रीत ने अब क्या कर दिया? साहब मैंने उसको छोटे छोटे कपड़े पहनते देखा है। तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया? वो हमेशा साड़ी और सूट सलवार पहनती है। अरे नहीं साहब, वो छोटे छोटे कपड़े पहनती है और मैंने उसको वीडियो कॉल करते हुए देखा किसी को। अगर आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं है तो आओ मेरे साथ चलो, मैं दिखाता हूँ तुम्हें। चलो। प्रीत। जी साहब। क्या तुमने अभी छोटे कपड़े पहने थे? नहीं नहीं साहब, आपको तो पता ही है मैं हमेशा सूट या फिर साड़ी पहनती हूँ। साहब क्या तुम अभी किसी से वीडियो कॉल पे बात कर रही थी? नहीं नहीं साहब, आपको तो पता ही है मेरे पास तो कोई फोन ही नहीं है, तो फिर मैं वीडियो कॉल कैसे करूंगी? प्रीत हम 2 घंटे के लिए ना बाहर जा रहे हैं, तुम हमारा खाना मत बनाना। ठीक है साहब। चलो। शुक्र है भगवान का, हौसलों में मरने से बच गई। अगर साहब को पता लग जाता कि मैंने छोटे कपड़े पहने तो वो मुझे इस घर से ही बाहर निकाल देते। हाँ साहब ने बोला कि वो 2 घंटे बाद आएंगे, इसका मतलब है कि मैं आराम से बात कर सकती हूँ। अरे साहब, अरे साहब मेरी बात तो सुनो साहब। क्या बात सुनूं मैं तुम्हारी? हाँ माँ। माँ वो क्या है ना, आज वर्कर इसीलिए नहीं है क्योंकि मैंने सबको छुट्टी दे दी है। अरे वो होली आने वाली है ना माँ, तो सब वर्कर पे रंग फेंक देते हैं, इसलिए आज वर्क फ्रॉम होम है। साहब मैंने सच में देखा है प्रीत को छोटे छोटे कपड़े पहनकर किसी से वीडियो कॉल पर बात करती है। मैं तेरी बात पे ना एक बार विश्वास कर चुका हूँ, अब दोबारा विश्वास करके बेवकूफ नहीं बनना चाहता। साहब मेरे पास ना एक आइडिया है, आपने अभी प्रीत से बोला है ना कि हम 2 घंटे बाद आएंगे, साहब आप ना अभी चल के देख लो, वो जरूर किसी से वीडियो कॉल पर बात कर रही होगी। तो पक्का श्योर है ना? हाँ हाँ साहब पक्का, मैंने अपनी आंखों से देखा है खुद। आइए आप। एक बात ध्यान रखियो, अगर तेरी बात झूठ निकली तो मैं तुझे नौकरी से निकाल दूंगा। ठीक है साहब। चल। देखो साहब मैंने आपसे बोला था ना कि लड़की किसी से वीडियो कॉल पर बात करती है। प्रीत मैं करती हूँ। ये क्या, तुमने तो कहा था कि मैं वेस्टर्न कपड़े नहीं पहनती हूँ और तुमने तो वेस्टर्न कपड़े पहने हुए हैं और वीडियो कॉल में भी बात कर रही थी तुम। ओह तो अब समझ में आया कि तुम्हें किसी कंपनी ने हमारी कंपनी की जासूसी करने के लिए भेजा है। नहीं नहीं साहब आप गलत समझ रहे हैं, मैं कोई जासूस नहीं हूँ, मुझे किसी ने नहीं भेजा है। देखो तुम सच सच बता दो कि बात क्या है, वरना मैं तुम्हारी पुलिस कंप्लेंट कर दूंगा और तब तुम्हें जेल में जाना पड़ेगा। नहीं नहीं साहब मैं आपको सब कुछ सच बताती हूँ। साहब वो क्या है ना, मैं वीडियो कॉल पर अपनी माँ से बात कर रही थी क्योंकि मैं बहुत पढ़ी लिखी लड़की हूँ। मेरी माँ झाड़ू पोछा करके माँ ने इतना मुझे काबिल बनाया कि आज मैं अच्छा काम कर सकती हूँ। लेकिन साहब मैंने जिस भी कंपनी में इंटरव्यू दी है सबने मेरा फायदा उठाने की कोशिश की है, थक हार के मुझे मेहनत की कमानी थी, इसलिए मैंने आपके घर में झाड़ू पोछा का काम किया। और साहब मैं ये बात अपनी माँ को नहीं बताना चाहती थी कि उनकी बेटी शहर में आके झाड़ू पोछा करती है, उनको बहुत बुरा लगता, इसलिए मैंने अपनी माँ को बता रखा है कि मैं किसी बहुत बड़ी कंपनी में बॉस हूँ और एज ए मैनेजर काम करती हूँ। तो साहब इसलिए मैं अपनी माँ को ऐसे वीडियो कॉल करती हूँ जब आप लोग बाहर जाते हैं, तो छोटे कपड़े पहन के वीडियो कॉल करती हूँ ताकि मेरी माँ को लगे कि मैं बहुत मॉडर्न हूँ और मुझे बहुत अच्छी जॉब भी मिल गई है। बस साहब मैंने ये सब कुछ इसीलिए किया है और मैं कोई जासूस नहीं हूँ, मैंने आपके साथ कुछ गलत नहीं किया है और ना ही मैं आपके साथ गलत करना चाहती हूँ। ठीक है तुम्हें कल से काम पहनने की जरूरत नहीं है। क्या? नहीं नहीं साहब मुझे काम पर से मत निकालिए साहब, अगर मैंने ये नौकरी छोड़ दी तो मेरी माँ का क्या होगा? जो आप पगार देते हैं उसी पगार से मेरी माँ की दवाई आती है। साहब अगर आपने मुझे घर से बाहर निकाल दिया तो मैं कहाँ जाऊंगी, मेरी माँ की दवाइयाँ कैसे आएगी? देखिए साहब मैं बहुत मेहनती लड़की हूँ, मैं और मेहनत करूंगी और हाँ मैं आज के बाद ये कपड़े नहीं पहनूंगी,
लेकिन साहब मुझे मुझे नौकरी से मत निकालिए। घबराओ मत, मैं तुम्हें जॉब से निकालने रहा हूँ, सिर्फ तुम्हारा काम शिफ्ट कर रहा हूँ। तुम कल से हमारी कंपनी में एज ए मैनेजर काम करोगी और तुम्हारी पगार होगी 50,000 रुपए। क्या सच में साहब? हाँ सच में, तुम्हारी सैलरी होगी 50,000। प्रीत, टैलेंट की कदर मुझे भी है और मैं जानता हूँ तुम ये काम मजबूरी में कर रही थी। खैर तुम इंसान अच्छी हो क्योंकि तुमने सच बोला, इसीलिए मैं तुम्हारा काम शिफ्ट कर रहा हूँ। प्रीत मुझे माफ कर दे बहन, मैंने बिना सोचे तेरी शिकायत अपने सर से कर दी। कोई बात नहीं भैया, ये तो आपका फर्ज है, आपका तो काम ही यही है, मुझे इस बात से कोई दिक्कत नहीं है, आपने अपना फर्ज पूरा करा है। प्रीत ये झाड़ू पोछे का काम छोड़ो और कल ऑफिस में टाइम से आ जाना। ठीक है साहब, मैं कल से टाइम पर आऊंगी और आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। शुक्र है भगवान, तूने मेरी सुन ली। अब मुझे अपनी माँ को झूठ नहीं बोलना पड़ेगा। अब मैं अपनी माँ को दावे से बोल सकती हूँ कि मैं मैनेजर हूँ। शुक्र है। माँ को फोन लगाती हूँ।